से एक कमेंट यहाँ पर जिगर दोषी का, एक सेकंड रावल जी, रावल जी एक कमेंट मुझे जिगर जी का भी लेना है, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं आपको वापस मंच दे दूंगी। जिगर दोषी जी, आप देख रहे हैं हर पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, यहाँ पर जनता की एक अपनी अलग टेक है, लेकिन ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाली पॉलिटिक्स है, ये क्या इस पर जानबूझकर ध्यान लाने की कोशिश की जा रही है या ये पहले से ही एग्जिस्ट करती है जिस पर बयानबाजी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपने जो दूसरी बात बताई मैं उसको मानकर चलता हूं कि ये पहले से एक एग्जिस्ट करती है जिस पर सिर्फ अभी चुनावी बयानबाजी हो रही है, क्योंकि आज की तारीख में अगर कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या इवन MIM के भी जो प्रवक्ता है, उन्होंने भी बेसिक्स मुद्दों पर ही बात उठाई, उन्होंने भी पहले ये सब जो बातें थी हिंदू मुस्लिम वगैरह वो एक तो लाइन में बात करके बाकी सीधा वो भी बेरोजगारी या शिक्षा उसी तरफ अपनी बात को ले गए। तो आज की तारीख में ये जो सारे मुद्दे हैं मेजोरिटी या माइनॉरिटी के, वो मेरे ख्याल से बहुत पीछे छूट चुके हैं। और जहां तक हिंदुत्व की बात है तो वो आज की तारीख में बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं रहा, जिन लोगों के मन में वो हिंदुत्व उनको अपनी आइडियोलॉजी उतारनी थी वो उतर चुकी है, अब वो बिना मुद्दे के वो चीज हो रही है। तो बेसिक मुद्दों पर की लड़ाई है और उसी मुद्दों पर सारी राजनीति आज की तारीख में गुजरात में हो रही है। और जो भी स्टेटमेंट वगैरह आया जिसपे ये सारी बहस चल रही है एक दो दिन से, मेरे ख्याल से ये बीजेपी का या बयानबाजी क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं, एक सेकंड जिगर जी, लेकिन सवाल तो उठेगा ना, फिर ये बयानबाजी क्यों हुई? दंगों का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? अगर ये पूरी लड़ाई विकास के नैरेटिव के इर्द गिर्द है तो फिर दंगों का जिक्र क्यों किया गया? असदुद्दीन ओवैसी ने इतनी ज्यादा अपने भाषण में इतनी सारी बातें कही उन दंगों के कॉन्टेक्स्ट में, होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने सबक सिखा दिया, ये राजनीति क्यों हुई? जरूरत क्या थी अगर मुद्दे विकास के? बिल्कुल, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बातचीत हुई है, जो स्टेटमेंट आए, वो स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि ये सारी जो मुद्दे है विकास या जो भी अभी तक बीजेपी ने किया, उसके बाद एक एंड में बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है उनके जो कट्टर जो अभी तक के जो मतदार है या उनकी जो वोट बैंक है उनको, कि बीजेपी अभी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम है और एक रिमाइंडर कॉल है। मुझे ये लग रहा है कि एक रिमाइंडर कॉल अमित शाह जी ने दिया है उनके जो 49% वोटर्स है उनको, ताकि वो वोट्स भी इधर उधर ना जाए या जितना हो मैक्सिमम बीजेपी के पाले में पड़े। और सीधी सी बात है कि MIM हमेशा उसका काउंटर आंसर करती है। ये पॉइंट है, इस पे मैं जवाब लेती हूँ। शलभ मणि त्रिपाठी ये कह रहे हैं एक रिमाइंडर कॉल है, इस पर आपका जवाब? ये 49% वोट बैंक जो है आपका, अभी आपने जिगर जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये 40 रिमाइंडर कॉल थी गुजरात दंगों का जिक्र। नहीं अदिति जी, आप मैं गुजरात की बात करिए, पूरे देश की बात करिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं लागू की, क्या उनमें कहीं किसी जाति या धर्म का जिक्र था? जो भी लोगों तक लाभ पहुंचाए गए, क्या कहीं जाति या धर्म का जिक्र था? प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत खुले मन से कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आप गुजरात के विकास को इन घटनाओं से अलग कैसे कर सकते हैं? क्या हम वो भूल जाए कि सूरत जब प्लेग फैलता था तो सूरत में किस तरह के हालात होते थे? बहुत से पूर्वांचल के भाई रहते हैं हमारे, देवरिया के, गोरखपुर के, कुशीनगर के, बहुत सारे लोग रहते हैं गुजरात के भीतर में, और जब सूरत से प्लेग फैलना शुरू होता था तो लोग यहाँ से भागते थे, महामारी फैलती थी। आज आप मुझे बता दीजिए कि सूरत क्लीनेस्ट सिटी में है कि नहीं, सबसे साफ सुथरे शहरों में है कि नहीं? अब कांग्रेस को विकास नजर नहीं आएगा? कांग्रेस तो वही है ना जिसको हमेशा से लगता था, मैं एक नाम बताना चाहूंगा, एक मोहम्मद सूरती थे, इंदौर है जनाब, मोहम्मद सूरती थे, इनके मंत्री थे गुजरात का, बोलने दीजिए अदिति जी, देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी, नंबर वन पे अदिति जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, 30 सेकंड से शलभमणि त्रिपाठी बात पूरी कर लीजिए। देखिए ऐसे ही बौखलाते हैं, जब इनकी हकीकत खुलती है तो बौखलाते हैं। मोहम्मद सूरती कौन थे जरा गूगल कर लीजिए, कांग्रेस सरकार के मंत्री थे और इसी सूरत में धमाका हुआ था, एक मासूम बच्ची की मौत हुई थी, 40 लोग उसमें जख्मी हुए थे जिनमें से कुछ लोगों की बाद में दुखद मौत हुई। मोहम्मद सूरती के अवसर पर इल्जाम आया था और हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी, ये थी कांग्रेस। यहाँ सूरत में प्लेग फैलता था, आतंकवाद फैलता था, दंगा होता था, जवाब ले लीजिए कांग्रेस पार्टी से, खत्म हो चुका है कांग्रेस पार्टी से, जवाब ले लीजिए निशांत रावल से, निशांत रावल से जवाब ले लीजिए। अदिति जी हकीकत यह है कि गुजरात में एक भी सिटी, अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान का जो रिकॉर्ड बार है उसमें एक भी सिटी नंबर वन पोजीशन पे नहीं है, यानी स्वच्छता अभियान में गुजरात नंबर वन मॉडल आप नहीं बोल सकते। वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आपका जवाब? लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात, जी मैं बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, क्या ये हकीकत नहीं है? बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे के गुजरात में 5 साल में 6,316 महिलाओं का रेप हुआ और 72 महिलाओं का गैंग रेप हुआ, ये हकीकत नहीं है क्या?
क्या 2020 में महिला हेल्पलाइन पे 50,500 महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है उसके कॉल नहीं आए थे? ये हकीकत नहीं है क्या? आप कौन सी बात कर रहे हो? यहाँ पे सूरत में, सूरत की आपने बात की, सूरत में एक लड़के ने 21 साल की एक लड़की को गला काट के हत्या कर दी, पूरा सूरत, पूरा गुजरात रो रहा था। आप कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हो? जवाब ले लीजिए शलभ मणि जी। कंपनी के मालिक को भगा दिया, ओरेवा कंपनी के मालिक को आपने भगा दिया। शलभ मणि त्रिपाठी ये कह रहे हैं मोरबी में, मोरबी पुल हादसे में, ये कह रहे हैं मोरबी पुल हादसे में आपने जिन पर शक की सुई है उन्हें भगाने की, उन्हें यह आरोप कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही है, आपका जवाब? हम कोई कांग्रेस थोड़े हैं कि भोपाल गैस कांड का जो एंडरसन था उसको बकायदे सरकार लेकर जाए, हेलीकॉप्टर से लाकर भगाए। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है, और देखिए कांग्रेस के हमारे साथी में उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ दंगे होते थे, महीनों तक कर्फ्यू लगता था, अदिति आपको भी पता है, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता क्या याद दिला रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रही है भाजपा की सरकार में, कितने लोगों की पॉकेट मार ली गई है, कितने लोगों की साइकिल जो गायब कर दी गई, साइकिल के ताले तोड़ दिए गए, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए, आप बौखलाइए मत, नहीं आप बौखलाइए मत, लोग समझ गए। एक बार में एक आवाज प्लीज, एक बार में एक आवाज, ऐसे में डिबेट नहीं कर पाऊंगी, टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं ऐसे बार बार इंटरप्ट करके डिबेट नहीं कर पाऊंगी, एक बार में एक आवाज। क्यों बौखला रहे हैं? बहुत ही पॉपुलर शो है, दुनिया देख रही है, आप जी बात पूरी कर लीजिए, और हम जब बोल रहे हैं तो आप बौखला क्यों रहे हैं? हम तो आपको नहीं टोक रहे हैं, दुनिया जान रही है आप झूठ बोल रहे हैं। आपने गुजरात को दंगों का गुजरात बनाया था, आपने गुजरात को प्लेग का गुजरात बनाया था, और आप कहते हैं कि साहब अस्पताल और ये दुनिया भर की बातें करते हैं, किस मुंह से करते हैं? आप लोगों ने जो धार्मिक आधार पर यहाँ बंटवारा किया था, मैं कहता तो हूँ कि मोहम्मद सूरती कौन था, बता के जाइए अगर आपके अंदर नैतिकता है तो, और गूगल करिए मोहम्मद सूरती कौन था। जवाब ले लीजिए प्रवक्ता, जो जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए शलभ मणि जी, जवाब ले लीजिए निशांत रावल जी, 30 सेकंड्स है सर। अरे भाई साहब, आप 1980-1990 की बात करना छोड़ दीजिए। आपने गुजरात के युवाओं के लिए क्या किया? आपकी वजह से गुजरात में 60,000 गाय माता का मृत्यु हुआ लंपी वायरस की वजह से, उसका जवाब आपकी सरकार देती है? कभी नहीं देती है। कोरोना में 4,00,000 लोगों का मृत्यु हुआ, उनको मुआवजा कब देंगे उसकी बात करते हैं आप? नहीं करते। आप एक इंसान पे, एक एपिसोड पे ऊपर फोकस करने की बात करते हैं। आपने गुजरात में बेरोजगारी का हालत, बेरोजगारी का हालत बढ़ गया है, उसके बारे में आप कब बोलेंगे? अरे गुजरात में किसानों की आत्महत्या में 4th नंबर पे आ गए पूरे राष्ट्र में, उसकी आप बात नहीं करना चाहेंगे? निशांत रावल जी, आपसे जो सवाल है आप भी उनका जवाब नहीं दे रहे।